You are welcome in our Divine Astro Healing family, and it was our intention that कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वह जल्दी से जल्दी दूर हो और प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और जिस तरीके से आपने आज सालासर जी का जिक्र किया है, आप सबको मेरी आवाज आ रही है सर? Everybody getting the voice? Everybody getting the voice? Yes. Yes. तो मैं ये कह सकता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा संदर्भ देता हूँ आपको कि रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि जब रामचंद्र जी ने अपना पूरा दायित्व निभा दिया था तो उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को ये कहा कि कलयुग में तुम्हें अपने भक्तों के संकट को काटना है, इसलिए तुम्हें धरती पे रहना है। और जब हनुमान जी, चूंकि मतलब भक्ति के मामले में हनुमान जी का प्रतिमान है कि राम भक्त हनुमान, तो दरअसल ये सालासर हनुमान जी का ही मंदिर है, इसको बालाजी कहा जाता है। वैसे एक बालाजी तिरुपति बालाजी है, वो गोविंदा है, भगवान कृष्ण है, ये हनुमान जी है। पर इन हनुमान जी का जो स्वरूप है वो एक अलग दाढ़ी मूछ वाला है, शायद आपने दर्शन भी किए होंगे वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन या साक्षात दर्शन भी किए हो आप लोगों ने। ये दरअसल इसमें इतिहास इस बालाजी महाराज का ये है कि बालाजी महाराज के एक अनन्य भक्त मोहनदास जी हुआ करते थे। ये बात तकरीबन 350 साल पुरानी है, मोर देन 270 ईयर्स ऑलमोस्ट, ठीक है। मोहनदास जी हनुमान जी की खूब भक्ति किया करते थे। मोहनदास जी की जो सिस्टर थी कानी दादी, उनके पास रहा करते थे वो, और उनके सेवा में मतलब हनुमान जी कितनी सेवा करते थे और अपनी बहन के पास रहा करते थे। जब हनुमान जी महाराज उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हो गए तब उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, एक राजस्थान में लाडनू के पास एक आसोटा करके गांव है, आसोटा, वहां ये बालाजी महाराज की मूर्ति खेत में से निकली हुई है। जब एक जाट जो है खेत जोत रहा था उस समय उसका हल की नोक वहां अटक गई, तो उसने समझा कि क्या है इसके नीचे, तब उसको निकाला गया तो मालूम पड़ा एक शिलालेख टाइप का पत्थर निकला। फिर उसने उसको साफ किया तो मालूम पड़ा उसमें कोई मूर्ति है। फिर जाट को स्वप्न आया कि मेरा एक भक्त जो है, पहले सालासर जो गांव है उसका नाम सालमसर था, कि सालमसर में मेरा एक भक्त है, मेरा इंतजार कर रहा है, तो मुझे वहां पहुंचा दे। तो उस जाट ने राजस्थान की भाषा में एक जो नारा गाड़ी बोलते हैं उसको, मतलब ऊंट गाड़ी के टाइम वैसी उस गाड़ी के ऊपर रख के उन्होंने मोहनदास जी महाराज के पास ये मूर्ति लेकर गए। और मोहनदास जी को पहले ही संकेत हो गया था कि मैं इस दिन यहाँ पे आऊंगा। मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है कि बालाजी महाराज की स्थापना मोहनदास जी की गई है और वो तकरीबन 350 साल पुरानी है। आज बालाजी का जो स्थान है, देश दुनिया में लाखों करोड़ों लोग वहां दर्शन करने आते हैं। वहां की मान्यता है कि वहां यदि आप गहरे से गहरे संकट में हो, आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, तो वहां जाइए। एक मोहनदास जी के हाथ का एक पेड़ लगाया हुआ है, उस पेड़ पे श्रीफल नारियल बांध दीजिए अपनी मनोकामनाओं का, वो बालाजी महाराज साक्षात आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। वहां एक अखंड धुना जल रहा है जो मोहनदास जी का ही जलाया हुआ है, उस धुने के माध्यम से रोग दोष व्याधि जरा पीड़ा सब समाप्त हो जाती है। जब उसके भभूत लगा लेते हो, उसके दर्शन कर लेते हो, बालाजी महाराज साक्षात लक्ष्मी जी के दूत है, ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति दर्शन करता है उस पर लक्ष्मी भी अपार प्रसन्न होती है। तो संकट काटते हैं, रोग जरा व्याधि पीड़ा मिटाते हैं और बालाजी महाराज के दर्शन से मनोकामनाएं सिद्ध होती है, सब संकटों का नाश होता है। काम व्यापार कारोबार में जो लोग पार्टनर बना के रखते हैं उनके पार्टनरशिप निभाते हैं, जो लोग मन्नत मांगते हैं उनके मन्नत पूर्ण करते हैं, वहां पे चूरमे का भोग लगाया जाता है,
चिरानंद का भोग लगाया जाता है, लड्डू का भोग लगाया जाता है, चूरमा बालाजी महाराज को बहुत पसंद है इसलिए चूरमे की सवा मणि होती है वहां पे, सवा मणि मतलब 51 केजी व्यक्ति चूरमा लगाता है। तो देखिए बालाजी की महिमा ऐसी है कि मेरे पास शब्द तो है नहीं कि उनके बखान करूं मैं, लेकिन मैं चूंकि उनको उनके चरण रज को दर्शन करते हुए कह सकता हूं कि जो व्यक्ति सालासर जी के दर्शन ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे, साक्षात करे, उसका जीवन पुण्य लाभ से परिपूर्ण होता है। और बालाजी महाराज के दर्शन से आप ये मान लीजिए आपके जितने भी संताप हैं मिट जाते हैं, ये मेरा बहुत गहरा अनुभव है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहां से किसी न किसी रूप में संबंधित हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव है कि बालाजी के जिसने दर्शन किए तो बालाजी का कमिटमेंट था भगवान राम से कि कलयुग में जो मुझे स्मरण करेगा उसके संकटों का नाश करूंगा, इसलिए हनुमान जी महाराज जो है बालाजी के रूप में बैठे हुए संकटों का नाश। बहुत धन्यवाद, अति सुंदर। देखिए ये सब है ना, हम बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई ना कोई शक्ति करा रही। मेरे को 3 बजे के पहले राजा शर्मा जी का नंबर ही मेरे पास नहीं था। एक जर्नलिस्ट ने बोला कि आप राजा शर्मा जी से बात करें, और मैंने इनसे निवेदन करा, ही एक्सेप्टेड अवर इन्विटेशन। हाउ ब्यूटिफुली ही एक्सप्लेन अबाउट द होल स्टोरी। कपिल जी देखिए आप ईश्वर की लीला। हाँ प्रणाम गुरुजी, और बहुत ही आनंद आया राजा जी आपसे ये सुनकर, बहुत ही अच्छा लगा। एक जो एनर्जी, एक ऊर्जा प्रवाहित जिसको बोलते हैं, वो होने लगी, एकदम रोम रोम खड़ा हो गया जिस तरीके से आपने बताया ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। राजा जी बताए, कपिल बगड़े जी है दिल्ली से, और आपने ही हमारे लिए आरती और पंडित के आशीर्वचन दिलवाए। लेकिन देखो हमने इनको कहा था, लेकिन आपका फोन आ गया, आप वहीं के गांव से हैं, वहीं के जन मिट्टी से जुड़े हुए, जो मिट्टी से जुड़ा रहता है उसकी वाणी अपने आप प्रबल बनती है और वहां के भाव लगाते हैं। आइए बालाजी की कृपा है, राजेश शर्मा जी को। यस अब हम शुरू करते हैं हमारा। सर्वप्रथम वहां के पंडित जी के हमको एक आशीर्वचन मिले हैं, हम पंडित जी के आशीर्वचन सुनते हैं। जो भी आप चाहते हैं अपने आप से, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, वह इस मुहूर्त के आगे अपन रख दे अपने आप को। Yes, you did it, कपिल जी? दिखा नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा। अरे नहीं, वीडियो शायद। हो सकता है मुझसे कुछ हो, एक मिनट आप देखिए, I'm now you will get it। अब दिख रहा।
यस पूजन अर्चन में ना जानू जानू तेरा ध्यान। हे बालाजी इस महामारी से मुक्ति दिला और कर सबका कल्याण। देखिए हम इस सर्वधर्म प्रार्थना में अलग अलग स्थान पर जाते हैं, वही अपनी अरदास लिए, अपनी प्रार्थना लिए, अपनी दुआ लिए, अपने धर्म की आवाज में, अपने धर्म की भाषा में वहां हम प्रार्थना करते हैं। उस पावन तीर्थ पर जहां पर वो स्थान है जो आपकी श्वासों को संचालित करता है उसको ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो कहीं तिरुपति बालाजी हो या सालासर बालाजी हो या अमृतसर हो या कहीं भी हो, महाकाल हो कोई भी। लेट्स सी वी आर In the 25th of March, we are going to every door. हम हर दरवाजे जा रहे हैं जहां मौका मिलता है, जैसा कोई बताता है, जैसे आज कपिल जी ने बताया, सौभाग्य से राजेश शर्मा जी से मुलाकात हो गई। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा ना करें कि कुछ होगा, लेकिन हाँ आज मैं आपके सामने एक बात शेयर करने वाला हूँ, उसमें कहीं ना कहीं इस घटना को मैं उस प्रकार लेता हूँ जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने पर्वत उठा लिया था उंगली से और गांव वाले भी डंडा लगा के खड़े थे कि हमने भी सहयोग किया। तो मैं उस प्रार्थना सभा में हम लोगों को एक डंडा समझ रहा हूं। मैंने आपसे परसों शेयर किया था एक इंसिडेंट डे फॉर यस्टरडे कि अब माय कॉलोनीज नेम कम इन द न्यूज़पेपर और मेरे जस्ट नेबर थे और ही अफेक्टेड बाय द सीओवीडी 19 और उसके पेशेंट थे और क्वारंटाइन में हॉस्पिटल में थे और उसी को लेकर सतर्कता के लिए प्रशासन ने उनके आसपास के घरों के ऊपर ही बोर्ड लगा दिया था। और हम लोग 25 साल से प्रार्थना कर रहे थे 25 तारीख से और हमें सोच रहे थे कि यार मनी मत बात के यार क्या मिश्रा जी अपन प्रार्थना तो कर रहे हैं इतने लोगों के साथ में, हे ईश्वर है परमपिता परमेश्वर को हमारे पास में ठीक नहीं हो पा रहा। मतलब मैंने पीड़ा उठी, मेरे वेदना उठी और कहीं ना कहीं वह पीड़ा का एक रूप उस प्रार्थना के प्रति असंतोष भी था, उसको कुछ रूप दे सकते। बट टीयर्स कम इन माय आईज व्हेन नेक्स्ट डे यस्टरडे आई स्पोक अबाउट द टाइमिंग 11:45। रिमेंबर 11:45 के बाद जो भी रोगी है उनमें आरोग्यता आएगी, उसके बाद ही 4 घंटे बाद हमारे कॉलोनी में जो पीयूष दलाल जी थे मुक्त होकर आ गए, तंदुरुस्त होकर वापस ही वीरअप द कोरोना। एंड मेरे को जब पता लगा कि वो आने वाले हैं बाहर खूब सारे लोग इकट्ठे थे, आई थॉट माय गॉड व्हाट हैपन, उन्होंने पीयूष दलाल जी आ रहे और वो मैं उनसे चर्चा करता रहता था फोन के ऊपर और वो आकर वहीं से उन्होंने हाथ हिलाया मुझे। बाकी मेरे को इतना मैं उसमें मैं अपना नहीं प्रताप मानता हूँ, मैं सब यूर प्रेजेंस को मानता क्योंकि मैं जब प्रार्थना बोर्ड में होते हैं तो हम कलेक्टिवली होते हैं और कलेक्टिवली प्रार्थना हमेशा मेरे कस लेकर आती है, ये मेरा मानना है। ऐसे ही मानना है कि न जाने कितने लोग ठीक भी हो रहे होंगे, मैं तो सकारात्मक सोचता हूँ क्योंकि मेरी वो घटना हुई 2 दिन पुरानी वो मैं आपसे शेयर की थी और आज हो सकता है वो पीयूष जी भी हमारे बीच में हो। है पीयूष जी, थोड़ा मैं भावुक हो गया, जस्ट प्ले एक बिग क्लेम फॉर पीयूष दलाल विन ऑफ द कोरोना सीरीज। जस्ट आई वॉन्ट एक आपका क्या अनुभव रहा और आज इस कोरोना से आप हमें क्या संदेश देना चाहेंगे पीयूष जी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वे माय ग्रेटिट्यूड फॉर कृष्णा गुरु जी माय एल्डर ब्रदर बिकॉज आई हैव बीन शावर्ड विद हिज ब्लेसिंग्स लव एंड अफेक्शन फॉर लास्ट
45 years. I live it at an arm's distance from his house. He's always like my elder brother. So far as recent incidents, what Tony Villa, Krishna Guruji has said, unfortunately, I got affected with this corona on 21st of March. For last 22 days, I was in hospital. I was battling this disease, deadly disease. In fact, I should not say I was battling because it will be my egotism, because no one can battle or no one can win over this disease. Only you can be recovered, because those who have lost their lives, it's not that they have not battled it, they are losers. One thing I would like to mention. Another thing, during this 22 days, it was really a tough time. And it is really, there is a proverb that when no medicine works, only blessings and prayer works. And this fits exactly on this disease. Because so far, there is no medicine for this disease. Only the prayers, blessings of well-wishers, gurus, and whomsoever is praying for you, that only heals you. This is my personal belief. And it has been proved again, because there is no such medicine which has cured me or which has cured crores of people throughout the country. First thing. Secondly, it is also said that tough time never lasts long, but tough people. It's not that I am saying I am a tough people. I am a tough person. But I became tough because of the prayers, blessings. Because that has filled me with positivity, with optimism. And I used to get continuous blessings from Guruji and all my well-wishers that helped me a lot to battle, to fight this disease. And with the blessings and prayers, I would not, because I have so many things to share, but on this forum, I would really commend, I would salute the warriors who are fighting this disease, our doctors, paramedics, our hospital staff. I really salute, because despite of these odds, what they are doing to heal, to treat people is really commendable. Salute to all those people. And with your blessings and prayers, after 22 days, yesterday only I got discharged. Till morning, I was not knowing that today I will be discharged. My report came negative. As per the new advisory of the Government of India, that of when one report comes negative and you have no symptom, you can be discharged. So, suddenly, something happened, and after 2 hours, I got a news that by evening, I will be back home. And with your all blessings, aap logo ki duaon ke karan, aap logo ki prarthnaon ki badolat, aaj main swasth hokar wapas apne ghar, apne parivarjanon ke beech hoon. Un kuch niyamon ke karan main apne room mein quarantine hoon, par main aap sabhi ki with the blessings and prayers, with all shubhechhaon ke karan, duaon ke karan, main swasth hoon. Itna hi kahunga ki aapki ye prarthna hai, karodon lakhon logo ko is deadly disease se fight karne mein madad karegi. Thank you very much. Any Poppy bhai, ek kuch suggestion dena chahenge, you what to precaution, what precaution we have to beat up? I tell you, Tony B, since I am attached with this medical fraternity, I have been working for a pharmaceutical, multinational pharmaceutical company. I was over cautious. I was taking lot of precautions. And my doctors, my friends, doctors who are doctors, they are also surprised how I got affected. Only one thing I would like to suggest, take as much as precaution. Try to put on a mask on your face. Don't touch your face by your hand. Try to sanitize your hands as far as you can do. And the precaution, which the instruction and advice which I got from hospitals and doctors, that at least drink lukewarm water 3 to 4 times in a day. If possible, inhale steam 2 to 3 times in a day. And another thing, try to lie down back for at least 1 hour in a day. And the most important thing, do breathing, deep breathing exercise, yoga and pranayama at least for 30 to 45 minutes. I tell you, these all things, in when I was in hospital, I used to do, I didn't get time because my entire day was packed with the prayers, with the deep breathing exercises. I used to drink 5 to 6 times lukewarm water. And I used to take a steam inhalation for 4 to 5 times. These are the basic things which will keep you healthy and which will keep you protected from this disease. Thank you very much, Vivek. Thank you very much. You are just, you spoke. He just is my neighbor. Or ek chote bhai jaisa hamesha isko dekha hai.
और जब उसमें क्वारंटाइन में था, जब हॉस्पिटल में था, तो मैंने कुछ अपने वीडियो भेजे, बहुत वो खुश हुआ। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मेरी वेदना भी इसके प्रिकॉशन मेडिकेशन की तो थी, लेकिन मेरी पीड़ा भी वो थी कि यार एक तो नाम आ रहा है प्रथम में और भीमनगर में सर। वाकई आई एम वेरी हैप्पी टू गेट द स्टेटमेंट पी आर यूश एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कीप ऑन शावरिंग योर ब्लेसिंग्स एंड लव ऑन मी फॉरएवर। अरे माय गॉड, आवर एवरी ब्रीथ इज विद द ब्लेसिंग्स एंड व्हाटएवर यू टिप, जो भी आपने अपने बचाव के लिए कहा है आप लोग उसको फॉलो करें। ये इतना मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि आप लोग सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और बहुत सकारात्मक रहें और मुख्य रूप से इन विपरीत परिस्थितियों में भय मुक्त रहें। ये बहुत जरूरी है, भय के साथ जीवन न चलाएं, भय मुक्त रहे। भगवान न करे किसी के साथ कोई ये समस्या है, और कभी गॉड फॉरबिड कभी आती भी है, तो आप अपनी पॉजिटिविटी और विथ पॉजिटिव एनर्जी यू कैन विन ओवर ऑल द बैटल्स। थैंक यू। एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाहेगा कपिल? बेटा मैं पीयूष जी को बहुत बहुत बधाई। गुरु जी बस मैं ये बोला था, राजा शर्मा जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो तो मैं खाली वो आपको बताना चाह रहा था। हाँ जी बोलिए राजा जी, मैं आप आता हूँ। पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने स्टेटमेंट का, शायद राजा जी को पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, यस राजा जी, यू आर गेटिंग माय वॉइस ना सर? यस यस श्योर। ठीक है, देखिए दरअसल मेरा, मैं जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के आधार पर बात कर रहा हूँ कि मैं पिछले 26 साल से इंटरनेशनल टेलीविजन में काम करता हूँ, और मैं आप ये मान लीजिए कि आई एम द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट स्टोरी ऑन कोरोना ऑन 25th of January, जब मुंबई में पहले दो केस रजिस्टर्ड हुए थे तब मैंने कोरोना पे स्टोरी फाइल की थी। और कोरोना को मैंने बहुत नजदीक से सभी एंगल से कवर करने की कोशिश की, क्योंकि मैं टेलीविजन का रिपोर्टर हूँ और इंटरनेशनल टेलीविजन के लिए काम करता हूँ। मैंने तो दो तीन चीजें महसूस की, मैं आपको सोशल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, बाकी जो हम आमतौर पे जो हमारे पास गाइडलाइन है वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं कि देखिए सर, इस कोरोना ने दो तीन चीजें बहुत क्लियर कर दी है। हमारे जो जीवन के जो ढोंग थे, दिखावे थे, वो एकदम बेनकाब कर दिए हैं। दूसरी बात, मैंने बहुत नजदीक से देखा है इस पूरी त्रासदी को एज ए जर्नलिस्ट, कि पिता की देह मृत्यु देह पर बच्चे हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, पति को पत्नी नहीं देख पा रही है, और देख पा रही है तो साहस नहीं जुटा पा रही है उसको हाथ लगाने का। देखिए आप इस त्रासदी देखिए कि किस लेवल के दौर को ईश्वर ने हमको एक बार साक्षात करवाया है, कि यदि किसी को कोई गलतफहमी थी कि सृष्टि मैं चला रहा हूं, तो सब गलतफहमियां उन्होंने एक छोटे से पिस्सू ने दूर कर दी है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जो अपने आप को अणु परमाणु के बादशाह माना करते थे। Exactly. छोटे से पिस्सू ने जो झाग से खत्म हो रहा है, जीवन में सबके झाग निकाल दिए सर। एक बात तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इसने एक नई लाइफस्टाइल दे दिया। प्रमाणिक डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस तो खैर एक समय तक अपन पालन करेंगे ही, व्यक्ति के ओरिजिनल लाइफ के अंदर आइडियोलॉजिकल चेंज लाएगा। आइडियोलॉजिकल चेंज ऐसे लाएगा कि आपकी जो अभी तक लाइफ ढोंग दिखावे की जी रहे थे, आपको अंदाज लग जाएगा इनमें से कोई मेरा नहीं है, जो सांस अंदर गई है वहीं तक मेरी है, बाहर निकलने के बाद फिर मेरी है कि नहीं इसका भी नक्की नहीं है। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है। एक ब्लेसिंग्स का इतना बड़ा चमत्कार है, आपको बता दूं मैं, कि दुनिया केवल ब्लेसिंग्स से चल रही है अभी, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिन जो दवाई, भाई साहब आप तो दवाई की फील्ड में काम करते हैं, वो कुनान जिसको रिसोचिन बोलते हैं, कुनान बोलते हैं, मलेरिया की दवाई बोलते हैं, उसके आधार पे आपकी एनर्जी बढ़ाई जा रही है, इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है। हाँ जी, हमको बाबा रामदेव जैसे लोगों का शुक्रगुजार ही होना पड़ेगा सर, कि उन्होंने हमको प्राणायाम दिया, उन्होंने हमको अलोम विलोम दिया, और मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना ही पड़ेगा कि योगा को इंटरनेशनल ब्रांडिंग करवाई जब कोरोना आया ही नहीं था। राइट, वेरी ट्रू। कोरोना आया ही नहीं था तब योगी जी, हमारे मोदी जी की
योगा की ब्रांडिंग करवाई एक। और मैं बहुत विनम्रता से कह सकता हूं कि अभी मोदी जी जैसे व्यक्ति देश को लीड भी कर रहा है तो डिसीजन मेकर भी है वो। यदि कोई ये निर्णय ऐसे दौर में आ जाता जब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश होता जो निर्णय नहीं ले पाता तो त्रासदी का स्वरूप क्या होता आप और मैं नहीं जान सकते हैं। मैं अच्छे व्यक्ति के अच्छे कामों को एंडोर्स करूंगा ही, और यदि उनकी कोई आलोचना होगी तो वो भी मेरे शाब्दिक अर्थ से करूंगा। लेकिन अभी निर्णय लॉकडाउन का साहस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट था, वो किया। देखिए अब लॉकडाउन क्या, आपको बताता हूँ मैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट डिफरेंट है गुरुजी, लेकिन मैं थोड़ा सा अपन डिस्कस कर रही थी। लॉकडाउन केवल लर्निंग और कुछ नहीं है। आप घर बैठ के ये देखो जीवन जीना कैसे, आप घर बैठ के ये देखो कि प्रमाणिक डिस्टेंस से हमको जीवन जीना कैसे। अब आपको केवल एक लर्निंग पीरियड है, हम डेढ़ दो महीने से जो घर में बैठे हैं ना, चाहे इंदौर में बैठे हो, भाई साहब कलकत्ता दिल्ली बैठे हो, चेन्नई बैठे हो, सब लोगों को ये एक इनविजिबल संदेश मिल रहा है कि आने वाले समय में घर से बाहर निकलने के बाद आपको किस प्रकार की प्रिकॉशन करना है। ये हम हजारों लोगों के भीड़ में कंधा मचकाते हुए निकल जाते थे, लेकिन अब समझ में आ गया कि दो लोग खड़े हैं उनसे प्रमाणिक डिस्टेंस रखना है। ये एक लर्निंग है, वैक्सीन नहीं है, ये केवल लर्निंग है दो महीने में। तो भाई देखिए हमारा ईश्वर ने करे किसी का जब हाथ पांव फ्रैक्चर होता है तो डेढ़ दो महीने का पट्टा बन जाता है उसको, लेकिन उसको श्योरिटी होती है कि दो महीने के पट्टे के बाद मेरा जो पट्टा खुलेगा तो मैं चलने लगूंगा, मैं दौड़ने लगूंगा। हमारे साथ वो प्रॉब्लम है सर, दो महीने बाद भी बाहर जाएंगे ना, तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं कि कोरोना बाहर नहीं खड़ा है। दो महीने बाद कोरोना घर नहीं चला जाएगा, कोरोना वहीं का वहीं खड़ा है। केवल आपकी प्रिकॉशन और सिक्योरिटी आपको बचा पाएगी। कोरोना घर नहीं जा रहा है लॉकडाउन खुलने के बाद, कोरोना आपकी छाती पे है, दिख नहीं रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है इसलिए ज्यादा प्रिकॉशन करना है एक। दूसरी बात ब्लेसिंग्स का, तो मैंने आपसे कहा कि बीवी की, बच्चों की, गुरु की, माता पिता की, इष्ट देव की, अल्लाह की, ईश्वर की, वाहे गुरु की, सबकी ब्लेसिंग्स जो हमने थोड़ी बहुत जमा कर रखी है ना अकाउंट में, ब्लेसिंग्स जमा कर रखी है, उसका रिटर्न मिल रहा है। ये हमारा देश आज क्यों सर्वाइव कर रहा है इसके पीछे एकमात्र कारण है हमारी धर्म संस्कृति की ब्लेसिंग्स बढ़ी है हमारे पास, वो हमारा फिक्स डिपॉजिट है। उस फिक्स डिपॉजिट के कारण हमको रिटर्न मिल रहा है प्रारब्ध का, माँ बाप के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से। तो जैसा दलाल साहब ने बताया, ईश्वर ना करे जीवन में किसी को कष्ट हो, दूर दूर तक कष्ट हो, और हम बहुत वॉरियर है सर, हम ऐसे लड़के बाहर निकलेंगे लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये भारत का आदमी है, चुटकिया बजा के निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर के साथ हमारी ब्लेसिंग्स में हमारे बाप बहुत तगड़ी है, माँ बाप और गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, और हम कांच के बर्तन नहीं है कि जल्दी चटक जाए, हम वो लोग हैं कि पहाड़ों को चीर देते हैं सर। तो ये तो कोरोना चले जाएगा, चिंता मत कीजिए, चुटकियों में चले जाएगा, सिर्फ प्रिकॉशन की आवश्यकता है, इस पिस्सू से डरने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रिकॉशन की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच राजा जी फॉर योर मैसेज, बहुत अच्छा है कि आपके मैसेज से हमें यह पता लगा कि हमें भय नहीं करना, और लिविंग स्टाइल हम जो बाहर निकलेंगे, एक प्रकार से कहूंगा कोरोना ईस्वी के पहले और कोरोना ईस्वी के बाद, बाहर जो कोरोना ईस्वी के बाद का जीवन, वो भले शादी का जीवन हो या आपके मैरिज रिसेप्शन, इवन डेड बॉडी में लेके जाना, वो भी एक सीमा बन जाएगी, और कहीं ना कहीं एक जीवन जीना और अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना, ये दो महीने में राजा जी के शब्द से पूर्ण सहमत हूँ। और आपने जो ब्लेसिंग से कहा कि केवल हमारे हिंदू धर्म के सरावर, जो भी धर्म हमारे यहाँ है, हम पूजा पाठ अपने संस्कारों, क्योंकि हिंदुस्तान के पास संस्कार के अलावा ज्यादा कुछ नहीं, बाकी भौतिकता आडंबर वगैरह बाहर की दुनिया में आपको मिले। हम आज भी एक उम्र तक अपने लिए जीते हैं, एक उम्र के बाद अपनों के लिए जीते हैं, तो अवर ब्लेसिंग ऑलरेडी वर्किंग। एक बार मैं मानता हूँ कि एक बार मेरे को कुछ हो जाए, लेकिन मैं बोलूँ मेरे को कुछ हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ, तो वी आर लिविंग फॉर ईच अदर। और वहां पर बाहर कल्चर ऐसा है जो 18 साल के बाद बच्चों को मतलब ही, पर भी हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज हम इस कोरोना के दौर में अच्छे अच्छे लोगों के ज्ञान भी मिल रहा है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं कि वह हम भी सुरक्षित रखें, और हमारी आवाज न जाने कितने लोगों के देशों तक पहुंच रही है, और वो भी अप्लाई करें अपने। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेरी मच। राजा जी 10 मिनट आप रुके, जस्ट आई वांट टू नो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर वी आर डूइंग। हम चाहेंगे 10 मिनट का समय आप बोल रहे, हम किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं जो केवल हमसे जुड़ी हुई है। यस जी, आई रिक्वेस्ट टू बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस प्लीज। कीप योर पानी का ग्लास पास में है, कीप योर बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ ऐसे रखें,